नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। वहीं आज राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव, किसानों के लिए भी बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, बने रहिएगा अंत तक। राजस्थान में इस साल मानसून ने बारिश के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग की मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल 1 जून से 30 सितम्बर के बीच 435 मिलीमीटर के लगभग बारिश दर्ज हुई। वहीं इस बार 1 जून से 31 अगस्त के बीच ही 550 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून की बारिश सितंबर के दूसरे हफ्ते तक दर्ज की जा सकती है, फिर मौसम शुष्क रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा से लगे बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन तंत्र बना हुआ है, जो आने वाले दिनों में और आगे बढ़ने के आसार हैं। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जो अगले सप्ताह तक जारी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में 2-3 सितम्बर को बारिश होने के आसार है। बीकानेर में सबसे अधिक चूरू में 468 मिलीमीटर से ज्यादा और जोधपुर संभाग में सबसे ज्यादा सिरोही में 679 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। हालांकि इस बार सिरोही में कम बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 3 सितंबर यानी कि आज पाली, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, टोंक, उदयपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, राजसमंद, सिरोही, चूरू, जालौर, जोधपुर, नागौर में बादल गर्जने के साथ बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, करौली, बारा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ और कोटा में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बादल गर्जने, तेज हवाओं के साथ बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। देश को सालों तक लूटने वाले मुगल सम्राट अकबर को अब स्कूलों में महान व्यक्तित्व नहीं बताया जाएगा, ऐसी सभी किताबों को जला दिया जाएगा। यह घोषणा राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की है। अकबर की आलोचना करते हुए दिलावर ने कहा कि अब किसी भी स्कूल में मुगल सम्राट को महान नहीं बताया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अकबर ने सालों तक भारत को लूटा है। उन्होंने उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 28वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के दौरान कहा कि आने वाले समय में किसी को भी मुगल सम्राट की महान व्यक्ति के रूप में प्रशंसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे लोग रक्षक थे जिन्होंने कभी आक्रांताओं के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, जबकि अकबर ने अपने फायदे के लिए कई लोगों को मरवाया। उन्होंने अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से करने और अकबर को महान बताने को मूर्खता और मेवाड़, राजस्थान, भामाशाह और महाराणा प्रताप का अपमान बताया। दिलावर ने कहा कि अगर कोई किताब अकबर को महान के रूप में उल्लेखित करती है तो उसे जला दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि महाराणा प्रताप, जिन्होंने मेवाड़ के सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, उनको कभी महानता का दर्जा नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से करना राजपूत योद्धा और राजस्थान के गौरव का अपमान है और अकबर को महान बताने वाले सभी किताबों को जला दिया जाएगा। जैसलमेर में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने आया है। दरअसल एंटी लार्वा दवाइयों का छिड़काव इन दिनों जैसलमेर में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर घर करवाया जा रहा है, जिससे कि मलेरिया और डेंगू का खतरा कम हो सके। ऐसे में एंटीवायरस दवाई की एक आशा सहयोगनी के लिए जान पर आफत बनकर सामने आई है। दरअसल जैसलमेर के केंद्र नंबर 9 की आशा सहयोगनी मंजू भाटी रविवार को फील्ड के दौरान घरों में एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव कर रही थी। इस दौरान एंटी लार्वा केमिकल की बोतल खोलने के दौरान एक धमाका हुआ और उसे निकलने वाला लिक्विड मंजू भाटी के चेहरे पर जा गिरा। इस दौरान जहां मंजू भाटी का चेहरा, आंखें और हाथ जल गए, वहीं पास खड़ी महिला संजू पत्नी महेश के भी चेहरे पर छींटे लगने से उसके चेहरे पर भी दाग जम गए। ऐसे में दोनों घायलों को जैसलमेर के जवाहर अस्पताल लाया गया, जहां मंजू के साथ ही काम करने वाली आशा सहयोगनी सुनीता गर्ग ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज से ही मना कर दिया। डॉक्टरों ने मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही, जिस पर हमने चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों को भी सूचित किया, लेकिन अभी तक उसके इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई मदद सामने नहीं आई है। ऐसे में आशा सहयोगनियों में भय का माहौल है और उनका कहना है कि अब वे यह केमिकल युक्त लिक्विड लोगों के घरों में छिड़कने नहीं जाएंगी। आशा सहयोगनी सुनीता गर्ग का आरोप है कि उन्हें इसके लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, नई ग्लव्स दिए गए हैं। यदि इस केमिकल के प्रभाव जानलेवा हैं, तो वह आगे यह काम नहीं करेगी। वहीं परिजनों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक के साथ ऐसी वारदात होने के बाद भी स्वास्थ्य महकमे में कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया है, नहीं उन्हें संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। राजस्थान में भूमिगत जल काफी गहराई में जाने से खेती सिंचाई जल की कमी होना स्वाभाविक है। किसान धरती से उत्पादन के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से संघर्ष के लिए कटिबद्ध है। ऐसे में पश्चिमी राजस्थान में पानी की एक एक बूंद कीमती है। ऐसे में जहां पानी की बचत करनी है, तो सबसे बेहतरीन योजना है फार्म पोंड। वर्षा के दिनों में खेतों से बहकर अन्यत्र जाने वाला बरसात का पानी, जो अमृत से कम नहीं है, इसको संचय कर कैसे खेती में उपयोग कर फसल का वांछित लाभ प्राप्त कर रहे हैं कई किसान। जोधपुर जिले में ऐसे ही किसानों की दास्तान, जो बरसात के जल से संचय कर खेती में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि एवं उद्यान विभाग की सामुदायिक फार्म पोंड व खेती तलाई योजना किसानों के लिए वरदान
निशान साबित हो रही है। ऐसे ही पीपाड़ शहर भोपालगढ़ उपखंड कृषि क्षेत्र में इस वर्ष बने पौंड फोरम भी इस बार हुई अच्छी बरसात से लबालब हो गए हैं। जिले के आसोप के किसान पद्माराम डाबेला ने बताया कि वर्षा का पानी खेतों से बहकर अन्यत्र चला जाता था। इसे लेकर सहायक कृषि अधिकारी उद्यान रफीक अहमद कृषि से वर्षा जल संचयन योजना एवं बागवानी खेती की जानकारी प्राप्त की। छोटा कृषि जोत होने से छोटा फार्म पौंड का निर्माण करवाया और नियम अनुसार अनुदान मिला। वर्षा जल संचय के लिए उपयोगी है सामुदायिक फोरम पौंड व खेती तलाई योजना। वर्षा जल को संचय का क्षेत्र के किसानों को फायदा हुआ है। यह उपयोगी योजना है। इससे बारिश का पानी संचय करने से खेतों में व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल का प्रबंधन के साथ ही किसानों को आगे रबी की फसल लेने का भी अवसर मिलेगा, जिससे किसान अब साल में दो फसल लेंगे। ऐसे में यह योजना मारवाड़ के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा योजना 3 महीने से बंद है। पेंशनधारियों को महीने में पेंशन नहीं मिलने से योजना ठप हो गई है। पेंशनधारियों को हर महीने पेंशन का इंतजार रहता है, लेकिन खाते में पेंशन की राशि नहीं आने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पेंशन योजना वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं के लिए एक ऐसा सहारा बन गई है जिससे इनका जीवन आसान हो गया है, लेकिन 3 महीने से पेंशन योजना पूरी तरह से ठप पड़ी है। राज्य में 90 लाख पेंशनधारियों की 3,000 करोड़ की पेंशन अटक गई है। जून जुलाई अगस्त की पेंशन का अब तक इंतजार किया जा रहा है। वृद्धजन विधवा दिव्यांगों के खातों में पेंशन नहीं आ रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि जल्द ही पेंशनधारियों की पेंशन जारी होगी, बजट की कोई कमी नहीं है। पेंशनधारियों को इस वित्तीय वर्ष से 15% बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हुई थी। पहले न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती थी, लेकिन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने 15% पेंशन बढ़ाई थी, जिसके बाद अप्रैल और मई में 1,150 रुपए बढ़ाकर पेंशन कर दी। लेकिन इसके बाद से सामाजिक न्याय विभाग ने खातों में पेंशन ही नहीं रिलीज की। इसके बाद से तो योजना पर ब्रेक लग गया। पेंशन के लिए बिल तो बन गया, लेकिन खातों में राशि अब तक नहीं आई है। ऐसे में पेंशनधारियों की समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि समाज में एक वर्ग ऐसा है जिसका गुजारा पेंशन से ही चल पाता है। राजस्थान की 6 सीटों पर जल्दी उपचुनाव होने वाले हैं। इन सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसको लेकर 3 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी सदस्यता अभियान 3 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें देश में 10 करोड़ और राजस्थान में 1.25 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान को गति देने के लिए अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी ऋतुराज सिन्हा जयपुर पहुंचे और पार्टी के पद अधिकारियों के साथ बैठक की। अभियान के प्रदेश संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और 3 सितंबर को मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा सदस्य बनाकर अभियान की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 1.25 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी घोषणा पार्टी संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने की है। यह सदस्यता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में शुरू किया जाएगा। सदस्यता लेने के लिए नमो ऐप, वेबसाइट, QR कोड या ऑफलाइन माध्यम का उपयोग किया जा सकता है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक बूथ पर 200 नए सदस्य बनाना है। अरुण चतुर्वेदी ने इस मामले में आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के सभी 51,000 बूथों पर 1 करोड़ सदस्य बनने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान जोधपुर के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री जोगाराम ने आमजन की जन सुनवाई करते हुए लोगों की समस्याओं को सुना और उनके तुरंत निस्तारण के लिए अधिकारियों को दूरभाषा पर निर्देश भी दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान में और खासतौर पर जोधपुर में इंद्र भगवान की मेहरबानी से अच्छी बारिश हो रही है। लंबे समय से बारिश हो रही है। बारिश अधिक होने के साथ ही आमजन को परेशानी होना स्वाभाविक है। हमारे जोधपुर में ड्रेनेज की भी खासी परेशानी है, चाहे वह नादड़ी रोड हो या DC रोड हो या संगरिया रोड हो। हम प्रयास कर रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को तुरंत ठीक किया जाए। इस बरसात के बाद जो भी नाले का काम हो उन नालों के निराकरण के साथ ही ड्रेनेज सिस्टम को स्थायी रूप से ठीक करने का प्रयास करेंगे। वहीं जोधपुर शहर में लगातार रेप के मामले सामने आने को लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सबसे पहले तो मैं उन विकृत मानसिकता वाले व्यक्तियों और छोटी छोटी बालिकाओं के साथ जो अपराध हो रहा है वह निंदनीय और चिंताजनक है। पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। सामाजिक परिवेश भी विकृत लोगों की पहचान कर समाज के सामने लाना और समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। छोटी बच्चियों के साथ ऐसे अपराध न हो उसको लेकर के समाज को भी आगे आना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने पहले भी अच्छे प्रयास किए हैं, अब भी अच्छे प्रयास कर रही है। विकृत मानसिकता के व्यक्ति हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य कर रही है। अनुसंधान शीघ्र कर न्यायालय में पेश करेंगे और माननीय न्यायालय से मैं अपेक्षा करता हूं कि शीघ्र ही ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों पर कठोर सजा दें। अलवर सामान्य चिकित्सालय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। डीग जिले के नगर कस्बा निवासी युवक ने पैसे की मांग को लेकर गले में फंदा लगाने का नाटक किया। अचानक से फंदा गले में फंसने से युवक अचेत हुआ। नगर अस्पताल से अलवर जिला सामान्य चिकित्सालय इलाज करने के लिए रेफर किया गया, जो अब ठीक है। जानकारी के अनुसार एक युवक द्वारा अपने घर पर फांसी लगाकर अपने घर वालों को बार बार डराने का प्रयास किया जा रहा था। तभी युवक के साथ बीती रात हादसा हो गया और गले में फंदा फंस गया, जिससे वह
अचेत हो गया। उसको परिजन सबसे पहले नगर अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां से उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। यहां पर उसका उपचार जारी है। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ा खुलासा किया है। एसओजी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रहे रामू राम रायका को गिरफ्तार किया है। रामू राम रायका ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए राजस्थान एसआई परीक्षा से पहले अपने बेटे और बेटी को पेपर दे दिया था। राजस्थान सब इंस्पेक्टर की परीक्षा से पहले रामू राम ने अपने दोनों बच्चों को पेपर लीक करा दिया था। इस परीक्षा में रायका की बेटी शोभा की 5वीं रैंक तो बेटे की 40वीं रैंक आई थी। रामू राम जब आरपीएससी के सदस्य थे तभी उन्होंने अपने पद को दुरुपयोग कर अपने बेटे और बेटी को पेपर दिया था। राजस्थान के सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष संचालक समूह ने बड़ा एक्शन लेते हुए पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रामू राम रायका को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने बेटे और बेटी को परीक्षा में पहले पेपर दिया था। रामू राम रायका के बेटे देवेश और बेटी शोभा पर आरोप है कि उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने पिता से पेपर लीक करवाया था। देवेश को हिंदी की बेसिक जानकारी नहीं थी, वह संज्ञा और सर्वनाम के बारे में भी नहीं जानता था और राज्यपाल का नाम भी नहीं पता था। वहीं शोभा को हिंदी की जानकारी नहीं थी और राज्यपाल का नाम नहीं पता था, लेकिन फिर भी उन्हें हिंदी में 188.68 नंबर और जीके में 154.84 नंबर मिले थे। जानकारी के लिए बता दें कि पहली एसआई भर्ती में रामू राम की बेटी फेल हो गई थी। वहीं पेपर लीक होने के बाद अगली परीक्षा में 5वीं रैंक आई थी। इसके अलावा बेटे की 40वीं रैंक आई थी। रामू राम रायका जुलाई 2018 से जुलाई 2022 तक आरपीएससी के सदस्य थे। एडीजे वीके सिंह ने इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व आरपीएस सदस्य को रविवार को अपने बच्चों को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर प्रदान करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि रामू राम की पुलिस रिमांड की मांग करने के लिए बीते दिन अदालत में पेश किया गया। साथियों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। यह है वीडियो, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।